दोस्तों बज रहे हैं सुबह के 8 और आ गए हैं हम श्रीनगर बस अड्डा। यहाँ से आपको एक मिनी बस मिलेगी जो सुबह 8 बजे जाएगी सीधा यहाँ से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक, और इसकी कॉस्ट है 500 रुपये पर पर्सन। आपको श्रीनगर बस अड्डे से ये बस मिल जाएगी, लेकिन के आप टाइम से आएँ तभी आपको ये बस मिल पाएगी। इस बात का खास कर ध्यान रखें, ये बस 8 बजे निकल जाती है। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम लोग जम्मू और कश्मीर के हाईवे पे। यह है जम्मू और कश्मीर हाईवे रोड, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जम्मू। करीब 2 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में, और दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र कैसा होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए ये जम्मू कश्मीर का हाईवे। दोस्तों यहाँ से पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो जाता है, ये कुछ खेती का इलाका है और आगे से अब पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये बहुत रोड सक्रिय भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से ट्रक वगैरह गुजरते हैं जो कि दिल्ली आसाम वगैरह काफ़ी जगह से इस साइड ट्रक निकलते हैं एप्पल वैली तक। तो चलते हैं अपने सफ़र पे, बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आगे क्या होता है खास। दोस्तों ये पहाड़ी इलाका चालू हो जाता है यहाँ से, और ये देख सकते हैं पहाड़ में से पानी, साफ पानी गिर रहा है। और वेट कर रहे हैं अभी हम जाम खुलने का, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई है इस वजह से सबको रोका गया है। हम भी यहाँ वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लैंडस्लाइड क्लियर हो और हम आगे जाएं। तो अभी यहाँ फ़िलहाल वेट कर रहे हैं ताकि रोड खुले और जाएं आगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में, दिखाएंगे आपको आगे। दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं पहाड़ों के अंदर टनल और रास्ते। ये अभी टनल का काम चल रहा है जम्मू रोड पे। और दोस्तों यह है रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी, अभी हम यहाँ रेस्ट करने के लिए रुके हैं। और ये कुछ जम्मू और कश्मीर का नज़ारा, ये देखिए ज़्यादातर गाड़ियाँ रुकी हुई है इस नज़ारे का मज़ा लेने के लिए। अभी हम भी वेट। और दोस्तों ये टनल है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, ये यहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है जो कि करीब 9.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें जगह जगह पे टेलीफोन बूथ लगाए गए हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और इमरजेंसी नंबर दिए गए हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम उसे यूज़ करके आप अपनी मदद कर सकें।